वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेन फोर स्टार प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पार्ट सी पेज नंबर 55 का सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट बी की वीडियो नहीं देखी हो इस प्रैक्टिस सेट की, तो प्लीज पहले उसे देख ले, तब इसे देखिए, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आ सकता है। तो क्वेश्चन, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, टू ओड नंबर 1, 3, 5 होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर वो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूड देन नंबर मेड ए इंटीजर नंबर। जीरो भी होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव केवल लेना हमने, सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 290। तो आपने क्यों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व लेट टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस टू रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका स्क्वायर कर दो के सम कर लो तो क्या आ जाएगा, 290 आ जाएगा। x की स्क्वायर प्लस a, इसको a प्लस b का a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 x इज इक्वल 290 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 वंस का 290 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इसे 0 की तरफ भेजते हैं 2 को, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं तो आप जैसे देख रहे हो 143 का 11 और 13 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 13 माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। आपका फैक्टर के x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आपका x प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11 एंड x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 13। अब क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव आया क्या, नेगेटिव, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट पोर्शन आपका हो गया, रिजेक्ट इम्पॉसिबल या रिजेक्ट। आपका एक नंबर क्या होगा मिल गया, इलेवन, एक नंबर आपका 11 है, सेकंड नंबर क्या होगा तो 2 ऐड करें 13, ये आपके आंसर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का और करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y, x जो है ग्रेटर देन y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन फिर क्या कह रहा है, ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम द ग्रेटर नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका वैल्यू से पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस का 8 एंड x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x फैक्टर कर रहे हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, x कॉमन हो गया, x माइनस का 18, x माइनस का 18 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 18, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 10। तो आपका क्या नंबर है, एक 18 है, एक माइनस का 10 है, तो y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड y की वैल्यू निकाले, x इज इक्वल टू 18, देन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर 2 और 2
और 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर आप 18 रखते हो x की वैल्यू तो y की वैल्यू x = 18 तो y = 12 आ जाएगा, y = 12। इफ एंड एंड अगर आप x = माइनस का 10 रखते हो, माइनस का 10 तो y = y² = 8 * माइनस का 10 माइनस का 80 आएगा। ये हम लोग इसका वर्गमूल, इसका जो है आप वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है, इम्पॉसिबल, इसे नहीं लेके आगे जा सकते। आपका ये आंसर हो गया 18 और 12 ही आपका आंसर हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 13, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एग्जीट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व, लेट फर्स्ट टर्म ए पी का क्या है, ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 17 टर्म जो है इसके 10th टर्म से 7 अधिक है, ज्यादा है मतलब। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी और a प्लस 9 डी प्लस का 7। इसको एक तरफ कर लेते हैं, a प्लस 16 डी माइनस का a माइनस का 9 डी इज इक्वल टू 7, a से a कैसे, यहाँ पे 7 डी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 7 बाय 2, 7 इज इक्वल टू 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। फिर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग ap, एपी में आपको ए इज इक्वल टू माइनस का 37 है, डी निकालोगे, डी कैसे निकालते इसमें से, इसे लेस करेंगे, माइनस का 33 माइनस माइनस का 37, तो माइनस का 33 प्लस का 37 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर आपका एन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो आपको निकालना है एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो S12 निकालो, S12 इज इक्वल टू 12 बाय 2 इनटू 2 a प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस n माइनस 12 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितनी है 4, पुट कर देंगे तो यहाँ कटिंग करेंगे तो 6 आ गया 6, और यहाँ पे माइनस का 74 प्लस 11 इनटू 4, तो 6 इनटू माइनस का 74 प्लस का 44, 6 इंटू इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा तो 30 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना 180 ये आपका आंसर आ गया। ओके राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 14, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल हैं जो इक्वल हाइट की हैं, आर स्टैंडिंग ओपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने सामने रखे हुए हैं, ऑन आइदर साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड जो है आपको 80 मीटर वाइड 80 मीटर चौड़ा है, ये दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं। ओके फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो आपको जो 60 डिग्री है ये पास में होना चाहिए पोल का, और जो 30 डिग्री का होना चाहिए ये ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। ओके आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए 60 डिग्री वाला पास में होना चाहिए और 30 डिग्री वाला थोड़ा सा दूर से होना चाहिए, ऐसा एंगल बनता है ये डायग्राम, ध्यान रखिए इस बात को, ये 60 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया, ये मेन पॉइंट है इसका। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये आपको ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी टू पोल्स हैं, सी डी टू पोल्स है, इसका ई पॉइंट से ये एंगल बना रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये हाइट दोनों की इक्वल है ये निकालना है, और इसका जैसे ये एक्स मान लेते हैं एक्स मीटर, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गिवन में आपको गिवन में क्या है ए बी इज इक्वल टू सी डी है, इन ट्रायंगल ए बी ई टेन क्या लगा होगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है और b की वैल्यू x है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स मीटर हो गया। फिर चलेंगे इन ट्रायंगल सी डी सी ई टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई सी, 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है,
CD की वैल्यू CD है यहाँ पे और AT माइनस X क्रॉस मल्टीप्लाई आपका रूट थ्री सी डी इज इक्वल टू एटी माइनस एक्स। सी डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं, रूट थ्री इंटू ए बी इज इक्वल टू एटी माइनस एक्स, ये गिवन से आपको मिला है। ए बी की वैल्यू यहां से पुट कर ले, ए बी की वैल्यू क्या रखेंगे, रूट थ्री इंटू ए बी की वैल्यू रूट थ्री इंटू एक्स, रूट थ्री इंटू एक्स एटी माइनस एक्स, तो यहां से थ्री एक्स इज इक्वल टू एटी माइनस एक्स, इधर एक्स प्लस में हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस का एक्स इज इक्वल टू एटी, यहां पे क्या हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू एटी, एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर, एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर, एक्स आपका कितना आ गया ट्वेंटी मीटर, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा क्या यहाँ पे ट्वेंटी मीटर, तो यहाँ पे सिक्सटी मीटर। देखो ये डिस्टेंस अपने आप ही ज्यादा बड़ा आ रहा है। अब क्या निकाला आपको, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल मीन ए बी निकालना, ए बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री एक्स, रूट थ्री इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी, तो रूट थ्री ट्वेंटी रूट थ्री मीटर आपका ये आंसर आ गया इसकी ए बी की वैल्यू। ओके राइट ऑन कर ले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 जो कंट्रैक्शन है मैं उसे अलग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन 16 पढ़ लें फिर उसे मैं एक पेज पे कंट्रैक्शन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, इनका एरिया का निकालना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सोल्व, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड, तो वॉल्यूम क्या होता है, वैसे तो आपको गिवन है 24/20 64/27 फोर बाई थ्री पाई, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं का क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर का क्यू, 20 64/27 4/3 से पाई कैंसिल, ये आर और आर ये इसको क्यूब रूट चढ़ा देंगे यहाँ पे 64/27 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, थ्री में से एक बाहर निकालते हैं तो 4/3 आ जाएगा, क्या निकाला है इनका एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फर्स्ट है ये सेकंड हो गया, क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो रही होता है 4π कैपिटल आर का स्क्वायर 4π स्मॉल आर का, 4π से 4π कैसे, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/9 ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि हर बच्चे को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।